बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बाज़ार से कई गुना बेहतर घर पर चिकन शवारमा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें 1 कप दही लिया है, क्योंकि हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून कूटी हुई सब्ज़ मिर्च ली है और 1/2 टेबल स्पून इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून पीसी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट आपने फ्रेश लेना है। तो अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का शवारमा तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। तो चिकन आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में लेना है और बोनलेस लेना है। तो अब हम चिकन को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए ऊपर से कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। तो यहाँ पर हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो गया है, तो अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। तो अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से हिलाएंगे। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए। तो हमने चिकन को इस दही के पानी के अंदर ही अच्छे से गलाना है। अब हम इसको ऊपर से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन हमारे दही का पानी भी खुश्क हो गया है और हमारा चिकन भी अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसको साइड पे रखेंगे। तो अब हम व्हाइट सॉस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/2 कप मैंने दही लिया है। तो अब मैं इसमें 1/4 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी और अब हम इसमें 2 से 3 चुटकी पीसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। तो इसके बाद अब हम इसमें 4 टेबल स्पून मायोनीज ऐड करेंगे। तो अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा वाइट सॉस तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने शवारमा ब्रेड लिया है, तो इसको हम तवे के ऊपर दोनों साइडों से अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर लिया है, उसके ऊपर मैंने शवारमा ब्रेड रखा है और अब हम सबसे पहले इसके ऊपर वाइट सॉस लगाएंगे। अगर इस तरह से वाइट सॉस बनाएं तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पर हमने वाइट सॉस लगा लिया है, तो अब मैं इसके ऊपर रेड सॉस लगाऊंगी। तो रेड सॉस हमने थोड़ा कम ही लगाना है क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी है। तो अब हम इसके ऊपर चिकन लगाएंगे जो कि हमने तैयार करके रखा था। तो यहाँ पर हमने चिकन लगा लिया है, तो अब हम इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स लगाएंगे। तो ये मैंने बंद गोभी और खीरे काट के रखे थे, तो मैं वो लगा दूंगी। आप इसमें प्याज टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, तो लेकिन मैंने प्याज टमाटर नहीं ऐड किया। तो अब मैं इसके ऊपर फिर वाइट सॉस लगाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने वाइट सॉस लगा लिया है, तो अब हम इसको अच्छे से रोल कर देंगे। तो ये देखें, इस तरह से पकड़ के आपने ऐसे इसको बटर पेपर में रोल कर देना है। तो यहाँ पर हमारा शवारमा बिल्कुल रेडी है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।